गफलत और जिहालत को दूर करना फर्ज है। गफलत और जिहालत को दूर करना फर्ज है। तो इससे बात मालूम हुई कि इल्म दीन का हुसूल हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए फर्ज है। आजकल गफलत का दौर दौरा है, बेराह रवि का आलम है। बहुत से मर्दों और औरतों को कुछ खबर नहीं कि उनके जिम्मे इस्लाम के क्या अहकाम आयद होते हैं। हर शख्स अपनी तबीयत का पाबंद और ख्वाहिश का बंदा नजर आता है। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। मुसलमान दीन से जाहिल और गाफिल हों, ये उसके लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। गफलत और जिहालत को दूर करना फर्ज है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, आपस के मामलात, रहन सहन और खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने और इनके अलावा ज़िंदगी की तमाम हालतों के हुक्मों को मालूम करो जो कुरान और हदीस में बताए गए हैं। बहुत से मर्द और औरत बचपन में दीन सीखते नहीं और बड़े होकर लिहाज की वजह से नहीं पूछते और उम्र भर जाहिल रहते हैं और अल्लाह ताला के हुक्मों के खिलाफ चलते हैं। ये बड़ी महरूमी है। बच्चों और बच्चियों को दीनदार उस्तादों और उस्तानियों से दीन पढ़वाओ। बच्चों और बच्चियों को दीनदार उस्तादों और उस्तानियों से दीन पढ़ाओ। और जो औरतें बड़ी हो चुकी हैं मगर दीन से जाहिल हैं, उनको दीन की ज़रूरी बातें बताने और नमाज याद कराने का एहतमाम करो। जिसकी तरकीब यह है कि रोज़ाना या कम अज़ कम हफ्ते में एक रोज़ मुकर्रर करके पर्दे के साथ किसी मकान में घर घर से आकर औरतें जमा हुआ करें और एक दूसरे को सीखने सिखाने में लग जाया करें। ज़ुबानी तालीम भी दिया करें और किताबी तालीम भी। बड़ी औरतों के लिए साहिब किताब एक तरकीब बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरकीब पर हम चल रहे हैं, नहीं चल रहे यहाँ पे? हाँ, लेकिन इसमें और इजाफा करना है और फिक्र करना है। जो बहनें नहीं आई हैं उनको खींच कर लाना है। खींच कर लाना बोले तो जाके पकड़ के खींचेंगे, मतलब क्या है, उनको समझा के हाँ लाना है। और समझा के लाके दोनों तरीके तालीम देना, किताब की तालीम भी देना, लिखने पढ़ने वालों को लिखाना भी पढ़ाना भी। जो लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, कलम नहीं पकड़ सकते, कापी पे नहीं लिख सकते, उन माँ और बहनों और बेटियों को क्या करना है, जुबानी तालीम देना है। क्या करना है? अब आप देखना है कौन कितनों को खींच के लाते हो। मेहनत नहीं हो रही, अब तक ये फिरदौसुलम पूरा भर जाना था। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ बोलो? कमजोर आदमी कुछ कर सकता हूँ?